हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 12 अक्टूबर की। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले जानते हैं 11 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एंड इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ठीक है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है श्रीकांत डटर नो अपॉइंटर्स डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो कि कहाँ पे है, यूएसए में है, और ये सेकेंड इंडियन बन चुके हैं। और इसके पहले कौन थे, नितिन नोहरिया थे, और अभी कौन है, श्रीकांत डटर। उसके बाद नितेश्वर अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ठीक है, तो याद रखना एडिशनल डायरेक्टर कौन है, नितेश्वर। उसके बाद पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया है, स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो याद रखना है कि किसने लॉन्च किया है, कौन सी स्कीम है, और स्कीम का फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्वामित्व स्कीम है। उसके बाद पीएम मोदी ने रिलीज़ किया है कॉइन ऑफ 100 रुपीज़ इन ऑनर ऑफ विजय राजे सिंधिया, जो कि कौन है, ये राजमाता थी कहाँ की, ग्वालियर की। ठीक है, उसके बाद इंडिया की 8 बीचेस को क्या मिल चुका है, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये क्या है, इट इज़ ए फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये दिया जाता है इसे वेल वॉलंटरी एको लेबल गिवन टू ए बीच मरियाना। मरियाना बीच को पहले मिल चुका है, अभी 8 बीचेस और मिले हैं इंडिया में, और स्पेन को सबसे ज़्यादा मिला, 578 बीचेस को स्पेन में मिले हैं, और इंडिया को हाल ही में 8 बीचेस का मिला हुआ है। और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि कौन सा सबसे साफ है, साफ सुथरा बीच से रिलेटेड होता है। तो इंडिया के 8 बीचेस को मिला है, और वो जो 8 बीचेस है वो कुछ यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं आठों के। ठीक है, जैसे कि सुराजपुर बीच है कहाँ पर, द्वारका में, गुजरात में। गोगला बीच है कहाँ पर, दीव में। कसारकोट है एंड पडुबिद्री है कर्नाटक में। कप्पड़ है केरला में। रुषिकोंडा है आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच है उड़ीसा में। और राधा नगर कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तीस ये आठों हैं, और साथ में मरियाना बीच को भी मिला हुआ है। और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी FEV की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डेनमार्क में है, और ये फाउंड हुआ था 1981। उसके बाद शोएब मलिक बिकेम थर्ड क्रिकेटर टू स्किप 10,000 T20 रन्स, तो थर्ड क्रिकेटर बन चुके हैं और एशिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। और नंबर वन पे पूरे वर्ल्ड में कौन है, क्रिस गेल हैं। ठीक है, जिन्होंने 13,296 रन बनाए हैं। और उसके बाद है ड्वाने ब्रेवो फर्स्ट मैन ऑन प्लानट टू रीच 500 T20 विकेट। ये कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 500 विकेट ले चुके हैं टी ट्वेंटी मैच में, और फर्स्ट मैन बन चुके हैं। उसके बाद पैरा एथलीट मानसी जोशी नेम्ड एज टाइम मैगजीन नेक्स्ट जनरेशन लीडर। तो मानसी जोशी कौन है, ये एक पैरा एथलीट है और बैडमिंटन खेलती हैं, और इनको 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था। तो टाइम मैगजीन में इनको नेक्स्ट जनरेशन लीडर की तरह रखा गया है। और टाइम मैगजीन कहाँ की मैगजीन है, ये अमेरिका की मैगजीन है। ठीक है, राफेल नडाल जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच को हरा के। और राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, और नोवाक बिलोंग करते हैं सर्बिया से। ठीक है, और राफेल नडाल इक्वल रोजर फेडर इन ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल। ठीक है, जैसे कि ये जो टेनिस में होता है, ये इसमें ये दो लोग काफ़ी फेमस होते हैं, राफेल नडाल रोजर फेडर। ठीक है, तो ये दोनों पहले होता था कि सिर्फ यही दोनों लोग, जो भी 4 ग्रैंड स्लैम होते थे उसमें सिर्फ यही दोनों लोग जीते थे, और अभी नोवाक भी आ गए हैं। तो इतना याद रखना है कि राफेल नडाल फ्रेंच ओपन फिर से जीत गए हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।